प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के गौहरपुर गांव स्थित बाइक एजेंसी ग्राहकों के लिए लूट एजेंसी बन गई है। ग्राहकों का आरोप है कि पूरी किस्त जमा करने के बावजूद भी उनकी बाइक खींच ली जाती है, जमा किए गए उनके पैसों का गमन कर लिया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित लोगों ने एजेंसी पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। वहीं पीड़ितों ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस बाइक एजेंसी के खिलाफ आए दिन शिकायत मिल रही है, कई पीड़ितों का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या मामला है जो यहाँ आप एनपी हीरो में आए हुए? गाड़ी निकलवाए है, किस्त लेके भाग गए, जमा करवाए, अब लोन वाले आवेदन परेशान करते हैं। तो गाड़ी कब लिए थे और कैसे लिए थे? साल भर हो गई है, पैसा था कि जमा कर 25,000। कौन सी एजेंसी है ये? एजेंसी का नाम बताइए। एमपी। कौन सा स्थान है ये? गौहरपुर में है। नाम बताइए। नाम हमारा पुष्पा। कब बाइक लिए थे आप? बाइक हमें 3 साल हो गया लिए। पैसा जमा किए हमें एक साल हो गया जमा किए। एक साल के बाद हमारा फाइनल हुए के बाद हमारी गाड़ी पकड़ी गई। कब खींची गई है? परसों। क्या नाम है आपका? पुष्पा। किस गांव के रहने वाले? जलालपुर। पर्चे बताइए। मेरा आदित्य कुमार गुप्ता है। मैंने मेरा गुप्ता के नाम से गाड़ी लिया था यहाँ एनपी शोरूम से। वो भी मेरा पेमेंट मैंने ऑल पेमेंट कर दिया है और वो भी 1.5 साल हो गया पेमेंट के। और मैं शास्त्री पुल पे गया था नैनी, वहाँ से मेरा गाड़ी खींची गई। वो भी मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने बहन को शादी में दहेज में दिया था। वो भी गाड़ी मेरे जीजा जी लिए थे, वो गाड़ी खींच के लेके गए। उससे बोले कि जाओ आप शोरूम पे बात करो, तो शोरूम वाला बोल रहा है डायरेक्ट